हाई फ्यूचर बर्ड्स वेलकम बैक टू माई चैनल सो दिस इज गोइंग टू बी स्टडी व्लॉग सेवन अदे इन द लाइफ ऑफ नीट एस्परेंट सो दिस इज माई टू डू लिस्ट इसमें हम बाद में और भी बहुत सारे टास्क ऐड करेंगे सो यहाँ पे स्टॉप वॉच मैंने स्टार्ट कर दिए ताकि मैं वॉच कर सकूँ मैंने आज कितना टाइम स्टडी की एंड यहाँ पे सबसे पहले मैं करने जा रही हूँ नोट्स रिवाइज ऑफ फोटो इन हायर प्लाट्स क्लास आपको पता होगा अगर आप मेरे लास्ट ब्लॉग्स देख रहे हो तो मैं अर्जुना बैच से बॉटनी को कंप्लीट कर रही हूँ तरुण सर से वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं एंड आपको ये भी पता होगा मैं नोट्स नहीं बनाती हूँ मैं नोट्स प्रिंट निकलवाती हूँ तो यहाँ पर पहले मैं नोट्स को अच्छे से रिवाइज करूँगी फर्स्ट थ्री लेक्चर के देन मैं अपना फोर्थ लेक्चर जो है वो वॉच करूँगी सो तो यहाँ पे मैंने आपको एक बार नोट्स दिखाएं अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना मैं फोर स्लाइड्स को एक पेज पे एडिट करती हूँ यहाँ पर ट्वेंटी टू मिनट्स लगे मुझे नोट्स रिवाइज करने में क्योंकि इसके लास्ट लेक्चर में बहुत सारा था याद करने के लिए तो मुझे इसलिए टाइम लग गया इसमें तो यहाँ पे अभी फोर्थ लेक्चर जो है वो स्टार्ट हो चुका है यानी कि मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया है एंड अभी लेक्चर कंप्लीट हो चुका है अब मैं नेक्स्ट टास्क करूँगी यहाँ पर टाइम हो चुका है लेक्चर कंप्लीट करते करते वन आवर सेवन मिनट्स और अब मैं करने जा रही हूँ लक्ष्य बैच है जो कि मेरा रियल बैच है जिसके मैंने पैसे दिए यानी कि मैं ट्वेल्थ क्लास में हूँ हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरिन्स चैप्टर के फर्स्ट टू लेक्चर्स दोनों ही मैंने वॉच नहीं किए थे एंड दोनों को मैं अभी वॉच करूँगी सो so, अभी टू आर ट्वेंटी मिनट्स हो चुके हैं मुझे पढ़ते पढ़ते एंड सर uh, ने लास्ट में होमवर्क दिया है मॉड्यूल से तो मैं उस मॉड्यूल से अभी होमवर्क को सॉल्व करूंगी सर ने ज़्यादा नहीं पाँच छः क्वेश्चन ही दिए हैं तो इनको मैं सॉल्व करती हूँ और मिलती हूँ आपको इसके बाद तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दिखाया है मॉड्यूल को एंड यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद अगर आपने लास्ट ब्लॉग देखा है तो आपको पता होगा लास्ट में मैंने रेडॉक्स रिएक्शन नया चैप्टर स्टार्ट किया था एंड uh, आज उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे तो सबसे पहले मैं अभी करने जा रही हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी की डीपीपी आपको पता होगा इसके बारे में क्या स्टोरी थी इसकी लास्ट ब्लॉग में सो यहाँ पर मैंने लगा ली डी थोड़ी सी नोट्स की हेल्प ली थी मैंने आपको दिख रहा होगा नीचे नोट्स पड़े हैं एंड uh, अभी मैं करने जा रही हूँ रिडॉक्स रिएक्शन को कंटिन्यू अगर आपने कल का ब्लॉग देखा है तो आपको पता होगा लगभग दो ढाई से तीन घंटे का लेक्चर मैंने ऑलरेडी देख रखा है उसके आगे का मुझे वॉच करना है तो यहाँ पे मेरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है जस्ट इसके पी वाई क्यूज पढ़े हैं एंड में मैम ने सिर्फ पी वाई क्यूज़ करवाए हैं एंड वो पी वाई क्यूज़ मैंने इसलिए छोड़े हैं ताकि मैं पहले खुद अच्छे से प्रिपेयर हूँ नोट्स को अच्छे से रिवाइज़ करूँ कि मुझे बार बार पीछे देखना ना पड़े पहले मैं अच्छे से नोट्स को रिवाइज करूँगी देन पी वाई क्यू यूज़ करूँगी यहाँ पे थ्री और फोर्टी सेवन मिनट्स हो चुके हैं एंड मेरा फाइनली रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर भी कम्प्लीट हो चुका है एंड अब मैं करने जा रही हूँ एल्केन्स के प्रॉपर्टीज़ को रिवाइज एंड आपको नोट्स मैंने लास्ट ब्लॉग में अच्छे से दिखा दिए हैं तो इसलिए मैंने इसमें दिखाई नहीं ज़्यादा अभी फोर और सेवन मिनट हो चुके हैं एल्केन्स की प्रॉपर्टी बिल्कुल अच्छे से रिवाइज़ हो चुके हैं एल्केन मेरा पूरा कम्प्लीट हो चुका है एंड अब मैं करने जा रही हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस इस बुक से एंड uh, इसमें एन सी आर टी के टॉपिक वाइज क्वेश्चन हैं तो उसमें से मैं प्रैक्टिस करूंगी एल्केन्स के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उनको ट्राई करूँगी सारे सॉल्व हो जाएँ बट यहाँ सारे नहीं हुए थे बीच में कुछ कुछ मैंने रॉन्ग भी किए थे एंड अभी इनको करते करते टाइम हो चुका है फोर आर फोर्टी मिनट्स का एंड uh, अब मेरी टू डू लिस्ट जैसे आपको पति ही कम्प्लीट हो चुकी है तो अब मैं अपनी मर्जी से सारे टास्क करूंगी जूलॉजी का लेक्चर जो कि आज ही लगा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज का लेक्चर नाइन इसमें मैम ने एड्स पढ़ाया था तो मैं सबसे पहले इसको कंप्लीट करूँगी एंड यहाँ ये यह लेक्चर कंप्लीट हो चुका है एंड दिस इज़ माय लास्ट टास्क बिकॉज मुझे आगे स्कूल का वर्क कंप्लीट करना है तो मैं इसके आगे आज तो नहीं कर पाई सो फाइव और थर्टी नाइन मिनट्स हुए हैं आई नो कल से कम है बट कल इससे भी इम्प्रूव करेंगे सो so, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो